फाइनली मम्मी के साथ भी गोलगप्पे पार्टी खत्म हो चुका है। मम्मी अपने रूम में जा चुकी है रेस्ट करने के लिए, और बाहर तो भाई अच्छी खासी धूप निकली है। एक सेकेंड, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबको गुड मॉर्निंग, और हमारे तो गुड मॉर्निंग होने ही वाली है क्योंकि आज बनेंगे गोलगप्पे जो मेरे सबसे फेवरेट हैं। और साथ में घर में आए हैं दो नमूने, या फिर जिन्हें कहते हैं दोस्त वो लोग। और ये देखो, बाकी मम्मी का यहाँ पे गोलगप्पे का प्रिपरेशन चल रहा है। छोले इसमें बन रहे हैं, गोलगप्पे फ्राई किए जाएंगे फिर इसको खाया जाएगा। चलो हम प्याज काटते हैं और उसके बाद तो फाइनली यहाँ पे गोलगप्पे फूल गए हैं। और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो बाकी का फूल दे देते हैं। तो सारे गोलगप्पे के मजे ले रहे हैं ये महाराज। वीडियो कॉल पे लगे ये जा रहे गोलगप्पे मटर, ये ऊपर से जाएगी थोड़ी जल्दी निकल फिर जल्दी आओ। ये सॉल्ट की चटनी जो हम लेंगे मीठा बनाने के लिए, ऊपर से ला लेंगे थोड़ी सी और डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा ये पानी हम ऊपर से मिलाएंगे एड ऑन करने के लिए। बस ये ले गए चम्मच दूसरी थी पानी की। बहुत घर जा रहे हैं और ये इसको सारे निकले हैं। तो अब फाइनली सारे दोस्त जा चुके हैं अपने अपने घर। और मेरे बालों में मतलब थोड़ी सी मतलब लगा ना इचिंग टाइप की हो रही थी, तो मेरे को ओनियन ऑयल घर पे तो है नहीं, तो हमने जुगाड़ उगाड़ के हम घर पे ही बना लेते हैं। तो हमारा थोड़ी बहुत मेहनत और थोड़े बहुत आंसू बहाने के बाद हमारा ओनियन ऑयल जो है वो निकल चुका है। और इसको अब लगाते हैं, नेचुरल है एक्चुअली, तो अब लगा के फिर उसके बाद नहाएंगे, फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। हम तो जुगाड़ के दम पे सब कर ही देते हैं। जुगाड़ू नंबर वन का अवार्ड हमें ही दे देना चाहिए वैसे, बट नहीं, बहुत लोग इंडिया में तो जुगाड़ों का कमी थोड़ी ना। आगे आ चुका हूँ अब बालों पे, मतलब अब कुछ इतना टेंशन नहीं है क्योंकि ऑनियन ऑयल लगा दिया, वो भी नेचुरल था तो वो बेस्ट था। और उसके बाद अभी उस टाइम तो दोस्तों के साथ, अब बारी है मम्मी के साथ गोलगप्पे पार्टी इंजॉय करने की। मम्मी बना रही हैं, ये देखो इतने गोल गोल गोलगप्पे हो रखे हैं, मतलब खाने में इतने टेस्टी होंगे। मम्मी खुद देख के मतलब कह रही है पॉपकॉर्न की तरह से अचानक से फूल जा रहा है, मतलब इतना गोल गोल। ये देखो ये है, और ये देखो ये फूल गए सारे। तो ये हमारी सेफ। तो फाइनली मम्मी गोलगप्पे लेके हमारे घर में आ चुके हैं और इसे खाते हैं। ये देखो हमारी माता श्री। तो फाइनली मम्मी के साथ भी गोलगप्पे पार्टी खत्म हो चुका है। मम्मी अपने रूम में जा चुकी है रेस्ट करने के लिए, और बाहर तो भाई अच्छी खासी धूप निकली है। एक सेकेंड, ये कौन आया है, ये कौन है, कौन है ये? ओ इधर इधर जाना, कहाँ है, कहीं नहीं जाना, बैठ। बिल्डे क्या है क्या? ये आया हुआ है देखो, बट चोट लगी है बेचारे को। नहा लिया कर, मैं तो नहाता, तू भी नहा ले। हाँ ऐ मत कर, आ जा। नुँ 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 नुँ। सो जा, चल बाय। हेलो, हम भी रेस्ट करते हैं। बिल्ला तो बाहर अपने धूप में बैठा है और देखते बुलाने पे आता कि नहीं। बिल्ले आ जा। हमारी बात ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता, आएगा जरूर। तो बिल्ले ने तो खाना खा लिया, और मैं सोचा कि मतलब इसके खाने का रिकॉर्डिंग करूँगा। उसने जब फ़ोन को क्या हो गया, फ़ोन बंद हो गया सडनली। मैं जेब में रखा तो फ़ोन बंद हो गया, पता नहीं क्या सीन था फ़ोन में, और इसका रिकॉर्ड हो नहीं पाया। अभी खा के बैठे हुए हैं यहाँ पे, ऐसे बैठेंगे, इनको अपने पास बुलाएंगे, ये खुद आ जाएंगे। अब यहाँ पे आके इनको कुछ भी करो, ये कुछ नहीं करते हमें, क्योंकि ये हमें जानते हैं, जानते हैं ना, जानता है ना। हाँ बोल बिल्ले, हाँ बोल। ओए हाँ तो बोल दे, नहीं बोलेगा। यहाँ पे मैं अभी सोने ही जा रहा था, मेरे मम्मी ने बोला कि देखो बिल्लों की फाइट होने वाली है, और अपना बिल्ला भी है, लेकिन अपना बिल्ला थोड़ा डरा हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो दो बिल्ले आ चुके हैं, और इनकी क्या सिचुएशन। फाइनली शाम हो चुकी है, और
काम हो, यहाँ पे सुबह से शाम हो गई, बट जो बिल्ला है ये देखो अभी तक यहीं पे खेल रहा है, ये देखो इसको जाने का कुछ है ही नहीं, चिल्लाया जा रहा है चिल्लाया जा रहा है। रात हो चुकी है और हमें काम मिला है गार्लिक पेस्ट लाने का, तो माता जी ने बोला कि चलो फटाफट ले आते हैं और फिर उसके बाद फिर तो घर लेना है। एक दो तो फाइनली ले लिया है और चलते हैं हम घर। खाना पीना हो चुका है और अब बारी है एडिटिंग करने की। सबसे ज्यादा जरूरी वो है क्योंकि एडिटिंग नहीं करूंगा तो फिर कल आप लोग देखोगे कैसे। तो बस आज ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ जाए, मतलब आना तो चाहिए मेरे को उम्मीद है, और वो जो मैंने कमिटमेंट किया था वो तो याद है ना तुम्हें, मतलब 1000 सब्सक्राइबर पे खत्म टाटा बाय बाय दे गया हो जाएगा, तो उसको देखना ब्लॉग में जाके बहुत मस्त कमिटमेंट भी क्या कर दिया मैंने। फिर बाद में मेरे को सोचा था, बोला चलो अब बोल दिया है तो करना पड़ेगा ही, तो यही सब कुछ है। तो फिर मिलते किसी नए ब्लॉग किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए